खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर नटवा स्थित एक मैरिज लॉन में अखिल भारतीय अग्रणी समाज का 33वां कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से सभी राज्यों से अग्रणी समाज के लोग उपस्थित हुए। महासम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रणी तथा संचालन महामंत्री अशोक अग्रणी ने किया। आयोजक राष्ट्रीय संगठन मंत्री गणेश अग्रणी द्वारा विंध्याचल अग्रणी समाज के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा अग्रणी समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा हुई। अग्रणी समाज के विकास हेतु समाज में शिक्षा पर जोर, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शैक्षणिक मदद की जाएगी, साथ ही उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा आदि के उन्मूलन पर भी निर्णय लिया गया। मिर्जापुर से लवकुश अग्रणी की रिपोर्ट। लोगों को छायाकार पत्रकार मीडिया को सादर नमस्कार। अग्रणी समाज के तरफ से मैं सुभाष चंद्र अग्रणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रणी समाज। आज का ये महासम्मेलन जो 33 वर्षों बाद हमारे अग्रणी समाज का माँ विंध्यवासिनी की धाम में मिर्जापुर की भूमि में संपन्न हो रहा है। हमारे देश से करीब 17 राज्यों से हमारे देश के पदाधिकारी, अग्रणी समाज के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और सभी जितने लोगों को सम्मानित तरीके से हमने आमंत्रण किया था, सब लोग उससे उम्मीद से ज़्यादा कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है और सब लोग महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा उद्देश्य है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य और हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ बेटा बेटियाँ जो भी हैं उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित करने का कार्य हमारा समाज करेगा। हमारे समाज में आज ये संकल्प लिया गया है कि हमारे समाज का एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बहन एजुकेशन में ग्रेजुएट के नीचे 100% शिक्षित होने का कार्य करेंगे और आगे आने वाले दिन में हमारा समाज जो राजनीति का उपेक्षा का शिकार है, अग्रणी समाज को हर राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि वो हमारे समाज को जो उनके यहाँ हमारे कार्यालय में हमारे समाज की पिछड़े वर्ग में शामिल करने की फाइल 20 वर्षों से लंबित है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं वो यथाशीघ्र हमारे समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करने संबंधित उचित आदेश पारित करने का निर्गत करें, क्योंकि हमारा समाज बिहार प्रदेश में, मध्य प्रदेश प्रदेश में पिछड़े वर्ग में शामिल है, उत्तर प्रदेश में पिछले 20 वर्ष से फाइल हमारी लंबित है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो हमारी फाइल को यथाशीघ्र स्वीकृत करने का कष्ट करें और हम लोग उनसे एक प्रतिनिधि मंडल जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए हम लोग जाएंगे।